हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है, बाय कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ अ पीरियोडिक टेबल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी एक्सपेक्ट टू हैव द मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जैसे Ga गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, As हो गया, उसके बाद Se हो गया, Be हो गया। ये सभी में से बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है। तो अब मेटेलिक कैरेक्टर कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस किस चीजों पे ये डिपेंड करेगा? तो मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है, दूसरा कि द लार्ज साइज ऑफ एन एटम द मोर इजली कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो सेंटर के साथ जो अट्रैक्शन होता है ना, न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इसके अलावा एटॉमिक साइज क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्ट करता है। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट करने में मदद करता है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा यहाँ पर जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस सभी एलिमेंट में अगर हम लोग बात करें गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा। लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज, और ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हमारा एक और है, ठीक है, ये ग्रुप 13 है, ये ग्रुप 14 है, ये ग्रुप 15 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट लिए गए। ठीक है, इसके बाद जो है, ये ग्रुप 16। ठीक है, तो ग्रुप 16 में ये चारों एलिमेंट लिए गए। ठीक है, तो चारों एलिमेंट में सबसे बड़ा साइज किसका है, गैलियम का है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 13 पहले आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा। तो अगर इस तरफ से इस तरफ में जाएंगे, मतलब कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ग्रुप 13 के एलिमेंट का, मतलब कि गैलियम का साइज सबसे अधिक होगा। और ऊपर से नीचे जाने पर भी साइज बढ़ता है। तो बेरिलियम जो होगा ऊपर की तरफ है और गैलियम थोड़ा नीचे की तरफ है, तो गैलियम का साइज सबसे बड़ा है। तो और अगर साइज सबसे बड़ा है तो ये आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसी वजह से सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किस में रहेगा, गैलियम में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैलियम। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।